बिहार के शेखपुरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी की चपेट में आने से कई छात्राएं बेहोश हो गई है। ये सभी छात्राएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बताई जा रही हैं। वहीं 3 छात्राओं को आनन फानन में सदर अस्पताल भर्ती किया गया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद अभिभावकों में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है और अन्य सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर अभिभावक जो है वो विशेष छुट्टी की मांग कर रहे हैं। गर्मी से अच्छी हो गया, चक्कर दे रहा था वहाँ कस्तूरबा। कौन सा कस्तूरबा गांधी? बेलछी। कितने बच्चे बीमार हुए? 3 बच्चे। 3 और बच्चा भी बीमार हुआ। मैडम ना लाए हैं सब ठीक है। कैसे हुआ? हम लोग को पता नहीं, वहाँ मैडम बता रहे हैं कि हम तो सूचना मिला तो वहाँ। क्या सूचना मिला? बच्चा मतलब वो चक्कर दे दिया है तो सदर। कैसे? हमारे सहयोगी धर्मेंद्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, की खबर सामने आ रही है जहां भीषण गर्मी से कई छात्राएं बेहोश हो गई हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कस्तूरबा गांधी बेलछी का मामला है, जहां की हॉस्टल में रह रही कई छात्राएं बीमार हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्कूल की छात्राएं बीमार होती है और वहां का जो HM है उन्हें 2 से 2.5 बज जाता है, परंतु अस्पताल वो देखने तक नहीं आते हैं कि छात्राएं की स्थिति क्या है। जो वहां सफाई कर्मी है, वहां सहयोगी है, उनके द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है और उन्हीं के माध्यम से इलाज कराया जा रहा है, परंतु न तो इसमें शिक्षा विभाग के किसी अधिकारियों को जानकारी है और न ही किसी स्कूल के कर्मचारियों की जानकारी है। और जब इसकी जानकारी लेने का प्रयास किए तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से, तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और इसकी जानकारी मिली है और मैं इस मामले को पूरे जांच के लिए सदर अस्पताल जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। और परिजनों का क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को लेकर परिजनों में काफी रोष है और परिजनों का कहना यह है कि अगर सरकारी स्कूल जिस तरह से बंद किया गया है सरकार के द्वारा, उसी तरह से अगर कस्तूरबा गांधी नहीं बंद करवाया जाता है तो हम लोग अपने बच्चे बच्चियों को अपने घर ले जाएंगे और गर्मी छुट्टी के बाद ही पुनः दाखिल करवाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र।